बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए रविवार को मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना तहसील स्थित सफीपुर पट्टी में वृक्षारोपण किया। आपको बता दें कि बुढ़ाना कस्बा में ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी का पैतृक निवास है, जहां वो फिलहाल कोरोना काल में अपने परिजनों के साथ रह रहे हैं। सर पर सफेद गमछा बांधकर मुंह पर मास्क लगाए गड्ढा खोदता ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लाखों दर्शकों के चाहने वाले बॉलीवुड के स्टार अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सफीपुर पट्टी स्थित अपने खेत के चारों ओर 5000 पेड़ रोपने की शुरुआत की है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए ये संदेश भी दिया है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सभी को कोविड-19 नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिसके चलते सभी मास्क लगाकर रखें, बार बार हाथों को अच्छी तरह से धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सभी 18 से ज्यादा आयु के लोगों को कोरोना वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। चाहता हूं कि जितना भी पर्यावरण को हम सुरक्षित रखेंगे उतना हमारे लिए फायदा है। जी जी, है ना, तो हर तरीके से मतलब यूज़फुल है पर्यावरण को सुरक्षित रखना और पर्यावरण को बढ़ावा देना जो है। मैं चूँकि मैं यहाँ से हूँ तो अपने आसपास के हमारे SDM साहब ने मुझे बोला था और मेरा खुद का भी मन था ये सब बोलने का कि एटलीस्ट कम से कम शुरुआत जो है अपने छोटी सी जगह से की जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर है, मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है ना, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट अगर थोड़ा बहुत भी मेरी बात का असर हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने कहा कि मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी जो है वो मेंटेन करके हाथ पाथ धोते रहें। देखिए लॉकडाउन में थोड़ा वो कोरोना का जो संकट है थोड़ा कम हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि ख़तरा उसका टल गया है, तो इसलिए थोड़ा सा ये सब चीज़ें रखनी पड़नी चाहिए। और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर मुजफ्फरनगर की जनता को जागरूक करने के लिए शनिवार को नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपना एक वीडियो भी बनाया था, जो इस समय पर जमकर वायरल हो रहा है। खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सर, महामारी में तमाम चीजें अस्त व्यस्त हुई हैं और ऐसे में आप बॉलीवुड को छोड़कर आप घर पे रहने के लिए मजबूर है, परिवार के बीच रह रहे हैं महामारी को देखते, तो कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? महसूस तो अच्छा ही होता है जब आप अपने घर पे रहते हैं तो, लेकिन एक ये बहुत ही अप्रिय घटना है कि भाई इस तरह की महामारी आई और बहुत सारे लोगों ने अपने आसपास के लोगों को, अपने परिजनों को खोया है। आई थिंक हम लोगों को सबक लेना चाहिए कि आगे से हम खुद ध्यान रखें इस चीज़ का, डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाएं, है ना, वॉश करते रहें हाथ को, तो ये बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली देखो अभी तो वैक्सीन का बड़ा वो चल रहा है, तो वैक्सीन है, मैंने जैसे मैंने सुना है कि गांव कस्बों में लोग वैक्सीन लगवाते थोड़ा हिचकिचाहट कर रहे हैं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ पूर्णतः सुरक्षित है, इससे कोई ऐसी कोई बात नहीं होगी और वैक्सीन लगवानी चाहिए। सर, आज आपने पौधारोपण किया है तो क्या लगता है जो ऑक्सीजन की कमी महामारी में देखने को मिली है, पर्यावरण को मजबूत करने से उसको कहीं ना कहीं दूर किया जाएगा? देखो मैं तो हमेशा पर्यावरण के लिए हमेशा आगे रहता हूँ। जो शुरू में भी मैं जब आया था तब भी यहाँ पे मैं पेड़ लगाए थे मैंने, है ना, दूसरी ज़मीन है वहाँ पे पेड़ लगा रखे, तो अभी भी लगाने का पूरा प्लान है, तो वो मेरा है टारगेट कि मैं 5000 के आसपास में पेड़ लगाऊंगा। देखे थे हमारे साथ फिल्मी अभिनेता और बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इस वक्त महामारी के समय में वो अपने घर पर आए हैं और घर पर आकर अपने परिवार के बीच समय व्यतीत कर रहे हैं और आज उन्होंने पौधारोपण किया है। पौधारोपण के दौरान काफ़ी उनके फैंस भी मौजूद हैं और वहीं पर्यावरण को मजबूत करने की बात कर रहे हैं ताकि जो ऑक्सीजन की कमी थी उसको दूर किया जा सके। मैं तस्लीम राणा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मुजफ्फरनगर।